रही हूँ केला का सरसों वाली सब्जी, केला और आलू की। ये देखिए मैंने आलू के छिलके उतार के इस तरह से गोला गोला काट लिया है और केला का भी छिलका उतार के इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसे हम डालेंगे एक बाउल में, इसे अच्छे से धो के साफ कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से बाउल में डाल दीजिए। फिर इसमें डालेंगे हम हल्दी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, और लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट एक चम्मच मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए ये मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों लिया है, सरसों दाना, और इसमें ये 2 लहसुन लिया है, ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है मैंने। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। अब इसमें हम केला डाल देंगे। अब इसे मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए केला हो चुका है। इसे हम निकाल देंगे। हमारा पूरा केला और आलू ये फ्राई हो चुका है। मैंने इसे फ्राई किया था उसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इसी में मैं और थोड़ा तेल डाल दूंगी। सरसों की सब्जी में अजवाइन और मेथी दाना का फौरन अच्छा लगता है। ये देखिए ये जो मैंने सरसों और लहसुन लिया था उसका पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले हम सरसों और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सरसों और लहसुन का पेस्ट को लगभग 2-3 मिनट पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 2 टमाटर लिए और इस तरह से 5-6 मैंने हरी मिर्च लिए। सरसों वाली सब्जी में हरी मिर्च डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग बोलते हैं सरसों में हरी मिर्च, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम काटेंगे इसे 2 टुकड़ों में करके ऐसे। टमाटर को हम इस तरह से काट लेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है हमारा सरसों थोड़ा पक चुका है। अब इसे हम ये कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी आधी चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, और ये है जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर। सरसों में जीरा और धनिया का पाउडर जरूर मिलाकर बनाएं, उस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। केवल सरसों डालने से उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। देखिए मसाला लगभग हो चुका है, इसमें से तेल छोड़ दिया पूरा। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी, 1 गिलास ज्यादा पानी में डालूंगी। अब इसे हम 1 बॉयल आने तक पका लेंगे। अब इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम जो फ्राई किया हुआ आलू और केला है उसे हम डाल देंगे। ये देखिए ये मैंने सीजन ठंडे के दिनों में धनिया पत्ता सुखा के रखा हुआ था, वही डालूंगी क्योंकि अभी धनिया पत्ता मिल नहीं रही है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी से भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया। अब हम बिल्कुल
मीडियम आंच करके बिल्कुल कम गैस करके लगभग 2 मिनट तक इसे पकने देंगे।